भागवत के श्रोता भक्त हैं, पर भक्तमाल के श्रोता स्वयं भगवान हैं। तो भक्तमाल ऊपर है, सरकार नीचे बैठ के श्रवण कर रहे हैं। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। मुकुंद माधव गोविंद गो एक भी भक्त यहां ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके हाथ बंद हो। दोनों हाथ खोल दो। हरी हरी बोल राम राम बोल, हरी हरी बोल राम राम बोल, राधे राधे बोल श्याम श्याम बोल, राधे राधे बोल श्याम श्याम बोल। परीक्षा लेने थी। किसी ने कहा कि सरकार आप इतनी परीक्षा क्यों लेते हो। बोले एक बात बताओ, जब तुम बाजार से एक मिट्टी का बर्तन 20 रुपए का खरीदने जाते हो तो अच्छी तरह ठोक बजा कर देखते हो। तो मैंने तो अपने भक्त के पूरे जीवन भर को अपने ऊपर लिया है, तो क्या मैं ठोक बजा कर नहीं देखा। ये है कि जैसे जैसे मैं उसकी परीक्षा लेता हूं वैसे वैसे उसका सुयश जो है और परम उज्जवल हो जाता है। बड़ी तेज गाड़ी चल रही हो ना तो बीच में ब्रेक कराना बड़ा जरूरी है, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। अहंकार का बीज आएगा तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। इसीलिए परीक्षा जो जीवन में सुख दुख आते रहते हैं ये आने बड़े जरूरी हैं, लेकिन प्रभु के भक्त इससे घबराते नहीं है। वो एक ही बात कहते हैं, सरकार तू जिन मर्जी दुख दे ले, सनसेन दी आदत पै गई है। सानू मेले चंगे लगे।
विच सूरत तेरी है, तू जिन्ना चिर साडे नाल रवे ओनी उमर बतेरी है। खुशी तू मरूठा करो, मैं अकेले में तुमको मनाया करूं। मेरे रोने पे तुमको जो आए हंसी, तेरे चरणों की धूली को चंदन समझ, मैं तो माथे पे अपने सजाया करूं। लेके तेरे आशिक का घर बर्बाद वो दिल दिल ही नहीं जो तेरे मिलने की इंतजार ना करे, तुझी को भुला के जिंदा रहूं तू ऐसा ना करे। ये बात और है कि मेरी जिंदगी मुझसे वफा न करे। तेरे दिल दिया यारा तू जाने साढ़े दिल विच सूरत तेरी है, जिन्ना चिर साढ़े नाल रवे ओनी उमर बतेरी है। तो सरकार कहने लगे कि मैं परीक्षा इसीलिए लेता हूं कि मेरे भक्त का सुयश परम उज्जवल हो, लेकिन भक्त भी कोई कम नहीं होते। हंसकर कटे या रोकर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे ये तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझकर हर गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह। सरकार प्रसन्न हुए, आसन दिया गया तो राजा ने कहा सरकार आज्ञा कीजिए, सेवा का मौका दीजिए। बोले जो मैं आज्ञा करूंगा उसको मानोगे? हाँ सरकार बिल्कुल मानूंगा।
प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, बिल्कुल आप आज्ञा तो करें। बोले फिर सुनो, मैं अभी किसी संत के दर्शन के लिए दूर गांव में जा रहा था, तो अगर मैं सीधे रास्ते से जाता तो वो दो कोस थोड़ा लंबा था, तो मैं जंगल में से निकल गया, तो उस जंगल में मुझे एक शेर मिला और उसने मेरे बालक के तरफ खाने के लिए जब वो दौड़ा तो मैंने उसको प्रार्थना की कि मेरे बालक को छोड़ दो, चाहे मुझे खा लो, मुझे आप अपना भोजन बना सकते हैं। तो उस सिंह ने मना कर दिया, बोले मैं तो इस बालक को ही अपना भोजन बनाऊंगा। जब प्रार्थना करने लगे तो सिंह बोला, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बालक को छोड़ दूं, तो फिर तुम्हें यहां के राजा मोर ध्वज का आधे शरीर का मांस लाके मुझे देना होगा, तभी मैं तेरे बालक को छोड़ूंगा। तो सरकार, स्वार्थी तो जीव है आज का, मुझे भी अपने पुत्र के प्राणों का लालच है, तो उस जो सिंह ने आज्ञा की है और आपने भी प्रतिज्ञा की है, तो मुझे आपका आधा शरीर उस सिंह का भोजन बना कर ले जाना है, क्या आप दोगे? अब ऐसी कोई परीक्षा आ जाए, इतनी कठोर परीक्षा, मोरध्वज जी घबराए नहीं, लेकिन जब ये बात सुनी तो सबसे पहले उनकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई कि हे विप्रवर, देखो शास्त्र अनुसार पत्नी को पति का अर्धांगनी कहा जाता है, मैं उनका वाम अंग हूं, तो आप मुझे जाकर सिंह का भोजन बना दीजिए। इसलिए नहीं कि मेरे पति को छोड़ दो, इसलिए कि ये सेवा का अवसर मुझे मिले, तो कितना धन्य है वो, धन्य है उनकी निष्ठा, धन्य है उनकी भावना। सरकार मन ही मन सोचने लगे, अब तो मैं फंस गया। इसने बड़ी चतुरता से कह दिया, तो कहने लगे, हाँ हाँ सुनो, उन्होंने कुछ और भी शर्तें रखी हैं जो मैं भूल गया। उस सिंह ने कहा था कि मुझे उनका वाम अंग नहीं, दाहिना शरीर, आधा शरीर चाहिए। रानी पीछे हट गई, पुत्र दौड़ा दौड़ा आया। सरकार, पिता तो, पुत्र तो पिता की प्रतिमूर्ति ही होता है ना, तो आप मुझे ले जाकर उस सिंह का भोजन बना दीजिए। फिर सरकार सोचने लगे, कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, आप भी नहीं बन सकते, क्योंकि उस सिंह ने आज्ञा की है कि राजा मोरध्वज का पुत्र ही और उनकी रानी आरे से अपने पिता के शरीर को, अपने पति के शरीर को चीर कर मुझे देगा, तभी मैं उसको पाऊंगा। लेकिन एक शर्त है कि राजा मोरध्वज जी के शरीर को एकदम नहीं, धीरे धीरे करके चीरना है। एक बार को अर्जुन जी भी देखने लगे सरकार की तरफ की, सरकार इतनी कठोर परीक्षा। लेकिन ध्यान रहे, ऐसी अवस्था में मन में भी जरा सा कष्ट नहीं आना चाहिए, आंखों से एक भी अश्रु नहीं बहना चाहिए, घबराना नहीं, तब जाकर वो आपके इस शरीर को अपना भोजन बनाएगा, वरना वो मेरे बालक को ले जाएगा। अब प्रजा थोड़ी क्रोधित हो गई कि हमारी सरकार के साथ ऐसा, लेकिन सरकार अभी भी शांत है, महाराज प्रसन्न है। वो कहने लगे कि आज तक मेरे राज्य में कोई छोटा सा सिंह भी नहीं आया, ये आज्ञा हुई है
तो मैं इसको सिंह नहीं समझता, मैं तो ये समझता हूँ स्वयं नरसिंह भगवान आए हैं और मुझे आज उनकी सेवा में जाना है। नरसिंह भगवान की। और ऐसा कहकर सांत्वना देकर प्रजा को शांत किया कि तुम शांत हो जाओ, जो आज अवसर मुझे मिला है मैं कितने जन्मों से तरस रहा था, आज मैं भोजन बनने जा रहा हूँ स्वयं नरसिंह भगवान का। और जाकर राज सिंहासन पर अपने पुत्र को बिठा दिया, गंगा जल से स्नान किया, शालिग्राम की सेवा की और स्नान आदि करके सरकार के सामने आ गए, सरकार में आ गया। दोनों खम्भों के बीच में राजा मोर ध्वज जी को बांध दिया, लेकिन अभी भी वो घबराए नहीं। प्रजा रो रही है, लेकिन शर्त ये थी कि ना तो पुत्र रोएगा, ना पत्नी रोएगी और ना स्वयं राजा मोर ध्वज घबराएगा। वो घबराए नहीं, कहने लगे अरे रोते क्यों हो, मुकुंद माधव गोविंद को केशव मैं
हरी बो हरी 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 हरी बो शरीर चीरा जा रहा था तो अर्जुन की आंखें भर आई। सरकार आप इतनी कठोरता भी दिखाते हो। हाथ पकड़ लिया। जब आरा चीरते चीरते धीरे धीरे नासिका तक पहुंचा तो राजा मोर ध्वज की बाई आंख से आंसू निकल गए। मैंने कहा था ना कि तुम बहुत बड़े सेवक बनते हो, लेकिन ये तुमसे नहीं होगा। अब वो सिंह मेरे पुत्र को अपना ग्रास अपना भोजन बनाएगा। नाराज होकर जाने लगे। राजा मोरध्वज जी ने आवाज लगाई, सरकार एक पल रुको तो। रानी दौड़ी दौड़ी गई, सरकार एक बार सुन तो लो कि ये क्या कहना चाहते हैं। सरकार वापस आए तो बोले, सरकार क्षमा करना, मैं इसलिए नहीं रोया कि मुझे कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, कोई वेदना है। मैं तो इसलिए रो रहा था कि मेरा दाहिना अंग दाहिना शरीर तो संत सेवा में लग गया, लेकिन बायां मेरा व्यर्थ ही गया। ऐसी कौन सी त्रुटि, ऐसा कौन सा पाप मेरे आड़े आ गया कि मेरा आधा शरीर ही सरकार को ग्रहण करना है, पूरा क्यों नहीं। इतना सुनते ही कमल नयन मेरे सुंदर गोविंद अपने रूप में आ गए। अर्जुन अपने रूप में आए और रोते रोते मोरध्वज जी को अपने गले से लगा लिया। इससे ज्यादा मैं और परीक्षा नहीं ले सकता थे। Have a mind.